दोस्तों आज हाजिर हैं कुछ बेहतरीन जयपुर के परवाजी कबूतर और नस्लदार कबूतर, लेकिन जिन भाई के ये कबूतर हैं उनको आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो मिलवाते हैं उनसे थोड़ी देर में आपको। तब तक आप इन कबूतरों का शौक करें जो कि छत पे मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं। अंधेरे का टाइम होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपको शौक करवा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल विजन्स पे। ये शौक हो रहा है जयपुर के अंदर आज, तो चलिए आपको मिलवाते हैं भाई से। तो दोस्तों हाजिर हैं रिजवान भाई के कुछ बेहतरीन कबूतरों का शौक करवाते हुए उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब और रिजवान अली साबरी। तो रिजवान भाई बताइए कबूतरों के बारे में और उस्ताद मोहतरम आपसे भी दरखास्त है बताएं। देखिए कबूतर, देखिए आप उसके झुमके, देखिए दोनों तरफ है, ये देखिए झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में कयामत है ये झुमके बिल्कुल खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए। मेरे भाई ये राजस्थानी कबूतरों में भी है, रामपुर वालों में भी, रामपुर वालों में भी है। ये देख सकते हैं, इसकी आंख दिखाएंगे उस्ताद, ये देखिए आंख दिखेंगे। और बड़े वजूद के कबूतर हैं, सारे एक जैसे देखे आप, बहुत सारे कबूतर हैं, पक्के कबूतर और पूरे किंग साइज है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला इसकी आंख दिखाया खास तौर से। अब ये आंख ही नजर नहीं आती बिल्कुल, पुखराजी आंख जिसको बोलते हैं ये। पर देखिए आप कितने जोरदार पर है इसका, बताओ सातवां पर भी देखिए कितना बड़ा है इसका, पूरे साइज से गए उनको। अब ये भी पिछली वीडियो में आपसे बात हुई थी जी, हमने और उस्ताद ने आपको बताया था कि लाल गंडे वालों की कितनी किस्म है, मतलब कहाँ से वो चली, एक सौ कबूतर मिला के वो लाल गंडे तक लाके उन्होंने तीन तीन पट्टियां उस पर छोड़ दी, यानी कि तीन तीन पर जी। तो वो लाल गंडे वहां पर आकर के उन्होंने जहां उनकी पसंद थी, अगर वो उनको और एक रखनी थी तो वो भी रख सकते, वो भी रख सकते जितनी हो। तो अब आप इसी के अंदर देख रहे हैं, ये कलसरे कबूतर होते थे, कलसरे जिनको अब कल मुहे कबूतर, ये टोंक के जो जी। वो आज से तकरीबन सौ साल से भी ज्यादा पहले ये अब्दुल रहीम भटियाना ने बनाई थी, वो नस्लों के कबूतर है। तो आप देख लें, अब ये देखने को मिलेंगे नहीं, और ये सिलेक्टेड कबूतर मैंने रख रखे हैं झुमके वाले। ये देखिए आप उस्ताद के पास है, ये आंख देख ले आप, आंख बिल्कुल यही हुआ करती थी, वो पुराने लोग देखेंगे तो बताएंगे। इसकी भी आंख वही हो जाएगी, अभी उम्र में कम है, उम्र में कम है, ये उम्र में कम है, इसकी आंख वही आ जाएगी, उसी में आर पे आ जाएगी, ये भी उसकी पांच साल का होगा, चार पांच साल का होगा तो आ जाएगी। किसी कल उस्ताद ने ये झुमके बनाए, देखो आप ये भी कला थी कि उन्होंने यहाँ से फूल खिला दिया जी। तो ये हम भी अब कुछ नया कर सकते हैं, पुरानी चीज को तो चल ही रहे, ये तो रखे हम, पुरानों को मेंटेन करना वही काफी है मेरे भाई। दोनों तरफ है, जबाने अलग अलग रही, कहीं झुमके वाले, कहीं बड़ टोंक में कहते हैं बाड़े लिए हुए, दोनों तरफ कांटे लिए हुए, कांटे लिए हुए, सब सब भी वही कहलाते हैं। कितने खूबसूरती, पूरे कबूतर की खूबसूरती यहाँ कांटे हैं, ये देखें आप, ये देखिए आप दोनों तरफ हैं जी। आप ये फोटो लगा देना उस्ताद के साथ, लगा उधर ही लो, मुझे मत लेना, फिर आप ले लीजिए, वो अच्छा लगेगा तो लेना लीजिए उस्ताद, यूँ उसको पकड़ लीजिए, इन दोनों को मिला के पकड़िए, दोनों की बाड़े दिख रही है, बाड़ों वाले कबूतर डाल दो, बाड़े वालों कांटे, कांटे वाले कबूतर, बाड़े वाले कबूतर या झुमके वाले कबूतर, कि बेसिकली जैसे कान की वो झुमका आ जाता है वैसे ही इनकी वो अलग से लगे हुए हैं, दोनों तरफ हैं आप दोनों कबूतर, इधर उधर भी करके दिखा देते हैं, दोनों के झुमके हैं बिल्कुल। बेसिकली रामपुर वाले जो कबूतर आपके चंदा खानी कबूतर हैं उनमें आते थे झुमके, झुमके झुमके वाले कबूतर वो कहलाते हैं, और मुंह खुले, मुंह खुले, इनके मुंह नहीं खुले हुए जी हाँ, उनके मुंह खुले हुए हैं, उनके मुंह भी खुले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों नर आपने देखे झुमके लिए हुए, और ये मादा है। इससे पहले आपने वाहिद भाई का शौक किया था, जो मैंने
आपको बताए थे वहाँ पर कबूतर जी लाल गंडे लिए हुए, और उस्ताद के साथ में हमने बातचीत करी थी और उस्ताद ने हमें बताया था। तो अब आप ये कबूतर भी देख लें, अब इनके अंदर वो लाल आपको कहीं ही नहीं दिखेगा परी है। जी देखिए आप उस्ताद इधर आए उस्ताद देंगे, इसमें लाल पर नहीं मिलेंगे आपको, वो जो परियां थी ना गंडे लाल, ये वही कालों में आएंगे, ये वही इनके भी गंडे हैं, ये देखिए गंडे हैं बट लाल पट्टी लाल लाल पट्टी लाल नहीं है, लाल नहीं मिलेगा आपको इनमें, लाल कबूतर नहीं मिलेगा मतलब, ये सुर्खे नहीं मिलेंगे जी, जब इनमें सुर्खे मिलाएंगे तो ये गंडे लाल आएंगे। तो ये कहानी है सारी, बहुत नायाब कबूतरी है ये उनकी, ये देखिए अपर देखिए अपर, खेल यही है। अब आपको अगर वो अच्छे लगते हैं आपने वो बना लिए, लेकिन जिसको जो पसंद है वो उस तरह के अच्छी लग रही है, इसकी खूबसूरती जो ओरिजिनल है ओरिजिनल है, अब इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, बिल्कुल बड़े खूबसूरत छोटे से वजूद की, और इसके अंदर हमें उस्ताद उस्ताद आगा अलीम साहब जो है वो हमें बताएंगे कि इस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कबूतरी, बहुत अच्छी कबूतरी है, बहुत लाजवाब कबूतरी है, स्लिम ट्रिम आप देखें, और जितना मतलब आप ये देखेंगे कबूतर किस साइज के थे वो, और कबूतरी छोटी कबूतरी ही देखिए वही है, जब आप उसको उड़ाने के लिए बनाना है तो आपको उस हिसाब से उस फ्रेम में फिट करना है कि वो कबूतर उड़ सके, है ना। पर देखिए आप उनके चौड़े पर थे, इनके छोटे पतले पर है, बस खाली यही देखना है भाई, यही देखना है आपको, यही कबूतर बाजी, वो किंग साइज का कबूतर था और ये कबूतर, ये छोटी कबूतर है, बिल्कुल होता क्या किंग साइज से किंग साइज मिला देंगे वो बड़े हो जाएंगे, स्लो उड़ते हैं वो कबूतर, मतलब उनकी परवाज जो है देर में खड़े होंगे और देर तक खड़े रहेंगे, और वो पकड़ के ले जाएगा बाज, बाज भी उसको पकड़ के ले जाएगा, वो जल्दी ऐसा नहीं नहीं उड़ते, छोटों में तेजी होती है, वो बच के निकल जाएगा, वो बच के निकल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है बड़े में, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसकी लंगोट भी दिखा उसका, ये देखें क्या खूबसूरती है, सारी चीजें देखें आप कबूतर, जैसे अलग से किसी ने पेंटिंग करके उसको रखी, नीचे पूरा कलर देखें, ये बेहतरीन, ये टोंक वाले कलसरे कबूतर हैं, बहुत लाजवाब कबूतर हैं, इनकी भी उड़ान की मतलब बहुत किस्से, मतलब उड़ते ही हैं वहाँ पे, इधर आपने देखे इसके अंदर अभी दोनों परीन थे जी, और मादाएं परकटी हैं जी, अब इसमें भी कुछ ना कुछ राज होगा शायद, बिल्कुल मेरा मानना ये जोड़ का कबूतर जो है आदमी को परकटा रखना चाहिए, अगर लॉक पूरी पैक है आपकी उसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी है तो ठीक है, अदरवाइज होता क्या है, अगर आपके पास जोड़ में से अच्छा कबूतर एक जाया हो गया, निकल गया, भग गया, कहीं कुछ हादसा पेश आ गया उसके साथ, या गलत टाइम में निकल गया, तो वो दिक्कत हो जाती है जी, इसलिए जो है उसको लॉफ्ट को आप अच्छे से प्रॉपर रखें, उसके अंदर जो है कबूतर पर काट करके रखने से ज्यादा बेहतर जी, बिल्कुल। अब आपने ये कबूतर देखे, कुछ परीन हैं, कुछ परकटे हैं, बहरहाल वो सबका अपना अपना तरीका है, कोई किस तरीके से रखता है, कोई किस तरीके से, बाकी आप अपना दिमाग लगाएं, मेहनत के ऊपर लगाएं, हाँ नहीं मतलब क्या करना है, देखते ना यार भाई ऐसे कर दिया तो ऐसे करना है, वो बेचारे तीन महीने इसमें लगाते हैं, फिर कोई एक ज्ञानी आ जाता है मेरी तरह ज्ञान देने के लिए, फिर वो तीन महीने उस पर लगा दे सारी जिंदगी, पैशंस की जरूरत है। देखिए आप किसी चीज को अगर पकड़े तो उसको आप पकड़ के चले, कम से कम दो तीन साल आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, दो तीन साल के अंदर वो चीजें बन के वजूद में आती है, एक दिन में आप कहें कि एक रात में 11th आर्ट में अगर आप कहें रिपेंट कर दें तो कुछ चीजें रिपेंट नहीं होती, ना इधर के रहे ना उधर, इसलिए जो है कबूतरबाजी बहुत पैशन का गेम है, आप कबूतरबाजी जो है उसके लिए आपको मतलब थोड़ा साथ करके ही रखना पड़ता है, अपने आप को भी और कबूतरों को भी, ये नहीं क्या वही मैंने कहा ना जोड़ अगर जाया हो गई आप चले हैं वहां से, पर चला है जिस जहां से चले उसमें से नर आपने जाया कर दिया, मादा आपके पास है, मादा जाया कर दी, नर रहेगा, अब आप जो है उसको वापस लाके मिलाना चाह रहे हो तो वहां वो चीज मैचिंग है ना, वो सब चीजें हो जाती, मतलब बहुत मुश्किल आप उसको संभाल के, पैशंस का गेम है कबूतरबाजी, पैशंस का गेम, खाली उड़ाने लिए उड़ा लिए कबूतर, एक कबूतर है वो परफॉर्म कर रहा है आपके पास, लेकिन जब आपके पास नस्ल होगी वो परफॉर्म करेगी तो वो आपको बताएगी कि साहब हम हमेशा तैयार हैं, इस बात को तो मानते ही है ना लोग कि ब्लड लाइन तो एक ब्लड लाइन है, आपने कबूतर लाए उड़ा लिया वो उड़ गया, जब तक वो उड़ रहा है जब तक आपका उसका नाम है, वरना वो जाया हो गया तो कहानी खत्म हो गई, वही तो बचा के रखे हैं जो जो अच्छे कबूतर हैं उनको जोड़ों में बना के रखे हैं आप, उनके बच्चे नहीं हैं बच्चे उड़ाए, सेहत सेहत के रखे हैं उनको, बड़ी हिफाजत से रखे हैं, हिफाजत से रखे हैं उनको, रिजवान भाई दो तीन जोड़े थोड़ा और डिफरेंट टाइप के दिखाइए जरा, ठीक है मैंने काले आपको दिखाए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, उस्ताद आए हुए हमारे, मैं क्या दिखाऊंगा उस्ताद दिखाएंगे, सफेद बाजरे हैं इमरान भाई अपने पास, इंशाल्लाह वो भी थोड़े खूबसूरत हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उड़ते एक मिनट भी नहीं,
पर कटे हुए होंगे, पर कटे है ना कैसे जी। इसलिए एक मिनट नहीं उड़ते। अरे अब चलिए, अब इसी बात पे मैं आपको भी अपना एक वाक्य सुना देता हूँ। एक ग्रुप के अंदर बात चल रही थी है ना, ब्लड को लेके या एक्स वाई जेड कई चीजें थी कि उनकी जो है कि खड़ा देसी होना चाहिए है ना, ये ऐसा होना चाहिए, फोटो ऐसा होना चाहिए कि फोटो देख के। तो मैंने हाल के हाल घर पे था, एक कबूतर उसके पर काटे और उसको छोड़ के दिखाया कि मैं क्या साहब ये देखो जो आप जो बता रहे हैं कि इसकी जो स्टैंड है वो भी वैसा ही है, पंजे हैं वो भी बारीक हैं, हर चीज जो आपके हिसाब से है, लेकिन ये कबूतर मेरे हिसाब से तो 30 सेकंड में नहीं उड़ेगा। अब आप बताइए आपके हिसाब से कितना उड़ेगा। ठीक है, तारीफ होने लगी, मैं क्या साहब ये 30 सेकंड में नहीं उड़ेगा, आप बताओ कैसे। तो नहीं दे पाया बहरहाल वो जवाब। तो मैंने उन्हें बताया कि साहब पर इसके कटे हुए हैं, ये बिल्कुल नहीं उड़ेगा। कैसे उड़ेगा जाहिर सी बात है, प्राइमरी चीज जो होती है उड़ान के अंदर वो होती है पर। अगर पर अच्छे हैं कबूतर के तो वो बिल्कुल उड़ेगा, एक घंटा उड़ेगा, दो घंटे उड़ेगा, खिलाड़ी मेहनत करेगा तो शाम तक उड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी फैक्टर पर होता है। अब ऐसा थोड़ी है, अब आजकल तो ये है कि जैसे पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले गए, मारी गोल्ड का लेने चले गए, वो 5 का आता है, वो 10 का आता है, उसमें 10 पीस आते हैं, 20 पीस, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं लोग। वैसे कितने घंटे का है ये, क्या सवाल है आपका? सवाल ही गलत है। नहीं, घंटे का एक चीज आपकी बात पे कह रहा हूँ मैं, कि घंटे का है भाई वो कबूतर, मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा वो 10 घंटे उड़ेगा, आप लेके आओगे आप उड़ाओगे उससे तो 5 घंटे नहीं उड़ेगा। हो सकता है आप ले आके उसको उड़ाओ तो वो 12 घंटे उड़ेगा। वो आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी गजाइयत है। बस बस आप उसको किस तरह से खिला पिला रहे हैं, उसकी बाल क्या है आपकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है उड़ान। चलिए शौक को बढ़ावा देते हैं, दिखाते हैं और आपको। भूरे बाजरे देखिए, तो ये आप देख रहे हैं भूरे बाजरे से 2 रकात कम, दो रकात कम, हाँ थोड़ी सी कालोज पे है ना। एक सेकंड।